हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू मैकेनिकल स्टडी। तो अभी जो लेटेस्ट न्यूज आ रहा है तो मैं सबको अपडेट करा दूंगा। देखो, अभी पोस्ट निकला है IREL इंडिया लिमिटेड का, कुछ पोस्ट निकला है। एक है ये गवर्नर ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, क्या है प्लॉट नंबर 1207, वीर सावरकर मार्ग नियर शादी विनायक टेम्पल प्रभा देवी मुंबई 40028 है। ठीक है, ये कुछ पोस्ट वैकेंसी निकला है। वैकेंसी सर्कुलर नोटिस है, एडवर्टाइजिंग नंबर क्या है, COHRM07/2021 है। इसका है क्या है एडवर्टाइजमेंट नंबर है। देखो, RIL इंडिया इज ए मिलेतन कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी का ये कुछ पोस्ट निकला है। ठीक है, देखो ये ओपनिंग डेट कब है, 15/9/2021 को, और क्लोजिंग डेट कब है, 5/10/2021 को। जो अप्लाई करना है प्लीज अप्लाई कीजिए। देखो, मैं इसका सब कुछ दिखा देता हूँ, डिटेल्स ऑफ पोस्ट दिखाता हूँ। पोस्ट नेम, नेम ऑफ रिजर्व पोस्ट रिजर्वेशन है क्या है, स्टाइपेंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, ग्रेड स्केल पे ये सब है, और मैक्सिमम एज 26 ईयर्स। देखो, ग्रेजुएट ट्रेनिंग है फाइनेंस में, ठीक है, उसका 07 है, ये ग्रेजुएट ट्रेनिंग HR है। देखो, हमारा ये डिप्लोमा ट्रेनिंग है टेक्निकल माइनिंग केमिकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल है। टोटल 18 है। UR के लिए 10 है, SC के लिए 2 है, ST 1 है, OBC NCL का 4 है, और EWC 1 है। जूनियर सुपरवाइजर क्या है उसका 1 है, पर्सनल सेक्रेटरी 2 है। ये क्या है कुछ पोस्ट है, ट्रेडमैन का है IT के लिए, ट्रेड्समैन ट्रेनिंग IT के लिए। तो नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, 20 है। देखो, ये बहुत पोस्ट है, कौन कौन है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, अटेंडेंट ऑपरेटर है, और केमिकल प्लांट है। ठीक है, ये सब अप्लाई कर सकता है। SC के लिए 3 है, ST 4 है, OBC 2 है, और EWC 1 है। देखो, ये UR मतलब 10 मतलब ये बहुत ज़्यादा है। देखो, आपको ओनली एक ही पोस्ट चाहिए, आपको एक पोस्ट होगा तो उसको भी फॉर्म डालना है आपको, सभी को जो भी कंप्लीट तैयारी कर रहा है, एक ही पोस्ट निकला तो तभी भी उसको भी फॉर्म डालना है। देखो, ये UR में कितना है, 10 है, मतलब बहुत ज़्यादा, 10 मतलब बहुत ज़्यादा है। देखो, कैसे देखा स्टाइपेंड, क्या देखा, कंसलटेंट मंथली स्टाइपेंड देखा, रेस 20,000 ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड रेस 21,000 ड्यूरिंग सेकेंड ईयर इन द ट्रेनिंग पीरियड। ये लास्ट में W3 ग्रेड में आपको पोस्टिंग होगा ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद। देखो, स्केल पे आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ट्रेनिंग 22,000 से 88,000 है आपका, क्या है स्केल पे रहेगा। मैक्सिमम एज कितना है, 35 है। ठीक है, तो जिसको फॉर्म डालना है प्लीज अप्लाई कीजिए, ये बहुत ज्यादा पोस्ट है। देखो, स्टार्ट अभी हो गया है, 15 से स्टार्ट हो गया है। क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस देखो, ITI के लिए किया था ट्रेडिशनल ट्रेनिंग ऑफ ट्रेडिशन के लिए, मोस्ट ऑफ पास एसएससी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट विद ITI एनएससी विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट ट्रेड डिसिप्लिन इन द इंपोर्टेंट इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इफ एनी। ठीक है, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए मोस्ट हैव पास एसएससी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट विद ITI एनएससी अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट और +2 साइंस ये होना चाहिए। विद क्या है, 50% मार्क इन एग्रीगेट एंड विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग केमिकल। ठीक है, ये था ये रिलेक्शन क्या है, ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3, PW के लिए 10 ईयर, PWD OBC के लिए, जनरल के लिए 10 और OBC के लिए 13, PWD SC ST के लिए 15, डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए 5, ये रिलेक्शन है। ठीक है, ये था किसका, IREL इंडिया लिमिटेड। ठीक है, उसका कुछ ये पोस्ट निकला है IREL का, तो जो जो अप्लाई करना है प्लीज अप्लाई कीजिए। अप्लाई का स्टार्टिंग हो गया है। देखो, उसको जो रिटेट है, देखो मोड ऑफ सिलेक्शन कैसा है, तो मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर ऑल द पोस्ट वुड कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट।
स्किल टेस्ट व ट्रेड टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड फाइजोमेट्रिक टेस्ट है। सेकंड लेवल क्या है, टेस्ट है एप्लीकेबल एंड और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ एज मे बी प्रेस्क्राइब और डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटिशन कॉम्पिटेटर अथॉरिटी। द रिटन टेस्ट विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा फॉर पोस्ट कोड PC1 PC5 ठीक है, एंड पेपर बेस्ड टेस्ट फॉर पोस्ट कोड विथ PC6। देखो PC6 कौन सा है, देखो यह है PC6, मतलब हमारा जो ITI जो जो ITI ट्रेड के लिए बच्चे लोग है, ये PC6 से ये कैसे एग्जाम होगा, वो पेपर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। क्या है PC6 के लिए, PC5 एंड पेपर बेस्ड टेस्ट फॉर पोस्ट कोड PC6 के लिए वो पेपर ऑफलाइन एग्जाम होगा। तो कैंडिडेट फुलफिल द एलिजिबल रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया, एग्जाम्पल एज एरिया क्वालिफिकेशन ये सब है, टेस्ट होगा कंपेरिजन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल चॉइस, इसमें नेगेटिव मार्किंग बहुत हिंदी एंड इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर और रिटन टेस्ट है साल कॉन्स्ट फॉलोइंग कंप्यूटर पर, देखो ये सब क्या है 1 to 5 उन लोग का क्या है, पेपर 1 में 50 मार्क और पेपर 2 में 50, इसमें जनरल नॉलेज न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग एबिलिटी ये सब है। और PC3 के लिए 1 to 5 पोस्ट ग्रेजुएट PC3 का, डिप्लोमा के लिए 1 और सेक्शन 1 और सेक्शन B में 100 मार्क्स और पेपर 2 में 50 मार्क्स। PC6 के लिए पेपर 1 जो क्या है सब्जेक्टिव नॉलेज वो कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन फॉर टेस्टिंग द नॉलेज ऑफ रिलेवेंट ट्रेड के 50 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश के लिए वो 50 क्वेश्चन आएगा। ये था देखो कैसे पास है, देखो मिनिमम 25 मिनिमम 32 ये सब क्या है AC के लिए और ऑल के लिए, और लेकिन P6 के लिए क्या है मिनिमम पेपर 1 से 25 रखना पड़ेगा, UR OBC NCLUH के लिए और SCST PW के लिए मिनिमम 23 रखना पड़ेगा, पेपर 2 के लिए मिनिमम मार्क 45 रखना पड़ेगा और मिनिमम मार्क 22 रखना पड़ेगा ठीक है। ये था देखो रिटन टेस्ट कहाँ पर मिलेगा, मुंबई त्रिवेंद्रम और भुवनेश्वर, ये सब रिटन टेस्ट है ठीक है, और पोस्ट कोड 6 के लिए ओनली भुवनेश्वर में रिटन टेस्ट होगा ठीक है। ये था जो निकला है कौन सा IR IREL का निकला है ठीक है, तो प्लीज़ जो जो अप्लाई करना है प्लीज़ तुरंत अप्लाई कीजिए ठीक है। तो मैं जब तुरंत कुछ करंट अपडेट आएगा तो मैं तुरंत अपडेट करता रहूँगा ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल क्या नाम क्या है, मैकेनिकल स्टडी, उसमें क्या है एक सुखे का लोगो है, प्लीज प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ठीक है। ओके थैंक यू बाय।